अंतर नहीं है, उस ट्रेन में अलग, इस ट्रेन में कैसा हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है यहाँ ले लिया जाएगा। पूरे चीज में ना सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, दूध जलेबी। ये प्लांट के साथ मिलेगा, ये 1150 का है, 750 का है, देखने में काफी। ये है विशाखा, जो लगभग एक साल से मुझे परेशान कर रही है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही है, मिलना है मिलना है मिलना है। अजी क्या हाल चाल है आप सभी? फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ पटना रेलवे स्टेशन पे और हम लोग जो जर्नी है वो हो रही है गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस ट्रेन में। और इस ट्रेन का पहला पार्ट आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे पटना रेलवे स्टेशन पे अपने इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 1:45 और ये जो ट्रेन है ना यहाँ पे 10 मिनट रुकती है। और अभी फिलहाल ये ट्रेन लगभग 30 मिनट डिले पहुंचाई है पटना जंक्शन पे। तो दूसरी पार्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं पटना जंक्शन से डायरेक्ट, पटना से मुंबई तक की जर्नी आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगी। वैसे पहले पार्ट में खाना पीना क्या मिलता है वो आपको देखने को मिला होगा, लेकिन दूसरे पार्ट में हम लोग खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे और आपको फिर बाहर का खाना वगैरह रिव्यू करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। वैसे पटना जंक्शन पे अपना एक भाई है, छोटा भाई सानू आया है, मैं आपको मिलवाता हूँ। और आपको पता ही है बिहार आते हैं तो बिहार का फेमस लिट्टी चोखा अगर नहीं खाइएगा तो फिर क्या खाइएगा। वैसे हम लोग खुद बिहारी है तो फिर भी लिट्टी चोखा का आदत लगा हुआ है। अभी क्या है कि अभी पटना जंक्शन पर 10 मिनट का हॉल था, हमने इनको फ़ोन किया, बोला भाई सानू ऐसा करो पटना का फेमस जो है ना लिट्टी चोखा लेके आओ, तो अभी लिट्टी चोखा पटना का फेमस ये लेके आया है, तो वो जर्नी के दौरान खाएंगे और आपको दिखाएंगे। कहाँ का भाई? डाक बंगला चौराहा का, डाक। हाँ तो चलिए ठीक है, तो डिपार्चर दिखाते हैं, उसके बाद लिट्टी चोखा खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो 10 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है पटना जंक्शन से। ये रहा गर्मा गर्म, ये 10 लिट्टी हमने मंगाया था और साथ ही लिट्टी के साथ ये सलाद दिया गया है, इसमें ये मिर्ची भी है डला हुआ, भुजा हुआ मिर्ची। और ये रहा चोखा जिसमें आलू, बैंगन, टमाटर, धनिया वगैरह डाला गया है। और ये हो गया सरसों का चटनी। तो चलिए लिट्टी को ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये देखिए इसमें सत्तू वगैरह डाला हुआ है, ये रहा सत्तू, इसको लेंगे चोखा के साथ। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैं टेस्ट की बात करूँ ना तो ये काफ़ी बढ़िया है, लेकिन क्या है ना ये थोड़ा ठंडा हो गया। हम लोग की ट्रेन वही लगभग 2 बजे के लगभग पहुँची थी पटना, और अभी टाइम हो रहा है 4:45, समझ सकते हैं मतलब लगभग 3 घंटा का समय हो गया, तो हो गया थोड़ा ठंडा। क्या कर, क्योंकि पटना से जस्ट पहले ही हम लोगों ने लंच किया था, वैसे भी हम सोचे थे कि शाम में स्नैक्स के रूप में खाएंगे लिट्टी चोखा, है बहुत बढ़िया टेस्टी है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो गया। कोई नहीं, अगर आप भी बिहार आते हैं तो बिहार का फेमस लिट्टी चोखा आप ट्राई कर सकते हैं, इसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं बिहार में तो आप मंगवा सकते हैं। तो चंदन कैसा लगा, तुम ट्राई किया? सही है, लेकिन ठंडा होगा लिट्टी, हम बोल रहे ना। लेकिन क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, खाओ, ठंडा हो या गर्म हो लिट्टी के अंदर सत्तू है ना जी, और ऐसा चोखा कहाँ मिलेगा बिहार से बाहर, वो तो कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं लिट्टी चोखा। और ये जो है ना अभी प्याज देखें, भुजा हुआ प्याज, ये भी सही, हल्का हल्का नमकीन लग रहा है ये। और वैसे अभी देखिए डिनर का भी ऑर्डर लेने के लिए भैया आ चुके हैं, पीछे लिखा हुआ है नो बिल नो पेमेंट। तो भाई अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी फिलहाल हम लोग की जो ट्रेन है वो रुकी हुई है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे लगभग 20 मिनट से। इस स्टेशन पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन जो है ना ये डुमराव रेलवे स्टेशन से पीछे आता है, तो वहीं पर लगभग 20 मिनट से हम लोग की ट्रेन यहाँ रुकी हुई है। जब हम लोग की ट्रेन भागलपुर पहुंची थी ना उस वक्त हम लोग बिफोर चल रहे थे, पटना भी पहुंचे तो लगभग 5 या 10 मिनट डिले पहुंचे थे। पटना के बाद से लगातार ट्रेन डिले ही होते जा रही है, पता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे, जो भी रीज़न हो लेकिन ट्रेन तो डिले हो चुकी है। अभी फिलहाल रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं 20 मिनट से, और यहाँ पे दिखाने के लिए भी कुछ नहीं, अगर कुछ खाने पीने का रहता है तो खाते दिखाते। वैसे अभी लिट्टी चोखा खाए, मज़ा आ गया भाई, देखते हैं अगर कुछ मिल गया तो खाएंगे, नहीं तो सिग्नल का वेट कर रहे हैं, सामने में देख रहे हैं सिग्नल ग्रीन हो ताकि अंदर जाए, अंदर जाके बैठे। वैसे क्या है कि पटना के बाद से ना एक तो RSA सीट लगा हुआ है सभी कोच में, सभी कोच में तो स्लीपर में, थर्ड AC में, सेकेंड AC में RSA सीट लगा हुआ है। RSA सीट पे भी जो विदाउट टिकट वाले जो पैसेंजर होते हैं ना, पटना के बाद बहुत सारे पैसेंजर वैसे ही बैठे हैं, मतलब स्टूडेंट वगैरह हैं, वो लोग उतरे हैं, किसी को उतरना है बक्सर, किसी को उतरना है मुगलसराय। अभी 2-2.5 घंटा बाबू
क्या तो नहीं मिलेगा कोई चीज़ नहीं। दुर्गा मंदिर बोल रहे हैं तो दुर्गा मंदिर तो वही रोड पर भाई लगभग 1160 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 33वां हॉल्ट बक्सर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BXR और यहां पे इस ट्रेन का सिर्फ 4 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 2 घंटा 40 मिनट डिले। और बक्सर जो है ये आता है बिहार में। वैसे अपनी ट्रेन का पहुँचने का यहाँ टाइम था दोपहर के 3:38 और हम लोग पहुँचे हैं 2 घंटा 40 मिनट डिले। वैसे इस ट्रेन में दूसरे दिन का डिनर का ऑर्डर जो है ना वो आरा रेलवे स्टेशन के बाद लिया जाता है, तो हम सोचे थे दूसरा दिन का डिनर करेंगे, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेन चल रही है डिले, तो फिर से पेंट्री के भरोसे है। और देखिए बक्सर रेलवे स्टेशन पे आइएगा तो सतर्क रहिएगा इनसे, क्योंकि अगर आपके हाथ में बिस्किट वगैरह या झोला वगैरह खाने का कुछ भी है, रैपर वगैरह, तो वो ले लिया जाएगा उस पेड़ पे। तो भाई पूरा चंदन खलबली मचा रहा है। शाम के बज रहे हैं 6:30। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि लगभग 4 या 5 घंटा हो गया हमारे 4-5 घंटे से अपने कोच में चार्जिंग पोर्ट में लाइट नहीं आ रहा है, मोबाइल वगैरह सबका डाउन हो चुका है। कोच अटेंडेंट को खोज रहे हैं तो भाई नज़र नहीं आ रहा है, कॉल आ गया, ये AC मैकेनिक का नंबर है। हेलो कोच अटेंडेंट को खोज रहे थे तो कोच अटेंडेंट मिले नहीं, तो अभी सर मिले तो उनसे जो है ना नंबर लिए हैं यहाँ पे AC मैकेनिक जो है इस ट्रेन का, उनका नंबर लिए, कॉल आ गया। उनका भी नाम मोनू ही है। हेलो सर, हम ये बोल रहे हैं कि B3 कोच में हम ट्रैवल कर रहे हैं आपकी ट्रेन में, गुवाहाटी आती थी, बोले कि 4-5 घंटे से चार्जिंग पोर्ट में लाइट नहीं आ रहा, चार्जिंग पोर्ट में लाइट नहीं आ रहा है B3 कोच में। हाँ तो भाई ये 5 घंटा सीट नंबर 15, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सीट के पास नहीं आ रहा, पूरे कोच में किसी के चार्जिंग पोर्ट कोई भी काम नहीं कर रहा। तो जो भी आके देख लीजिए क्योंकि फोन वगैरह सबका रिचार्ज है, सब परेशान है। ठीक है, TT से आपका नंबर लिए हैं, अभी आ जाइए थोड़ा B3 कोच। अब होता क्या है कि कोई कोई लोग ना पानी गर्म करने के लिए चार्जिंग पोर्ट में लगा देते हैं, इस वजह से MC भी गिर जाता है, इस वजह से भी यहाँ सबका चार्जिंग पोर्ट बना हुआ है। ये भी हो सकता है, ये भी रीजन हो कि कुछ लोगों को गर्म पानी चाहिए ना। तो भाई अब जाकर लाइट आया है, ये लगा रहा है, मेरा भी बैटरी ना 20% बचा हुआ है। भाई 1255 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 35वां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU और यहां पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना ये है अपने UP में। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या हुआ करता था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन पे गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस का पहुंचने का टाइम था 5:35 और अभी फिलहाल हम लोग ट्रेन जो है ना यहाँ पहुंची है
एक घंटा 45 मिनट डिले। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो LTT गुवाहाटी एक्सप्रेस, मतलब गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस जो है ये चलती है 2 जनरल क्लास, 11 स्लीपर क्लास, 1 सेकेंड एसी, 1 पेंट्री कोच के साथ चलती है। पता है इसमें फर्स्ट एसी का कोच नहीं है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, पैसा की बात करें, तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं गुवाहाटी से LTT स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 890 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं, जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका फेयर लगेगा लगभग आपको 2330 रुपया। और सेकेंड एसी में जाइएगा ना, जिसमें थोड़ा अपर क्लास वाले लोग जाते हैं, तो उसका फेयर पता है कितना पड़ेगा आपको? उसका फेयर पड़ेगा आपको 3420 रुपया। हम लगभग फेयर बताए हैं। और पेंट्री कोच है, पेंट्री में खाना खाइएगा तो खाना का पैसा आपको देना पड़ेगा अलग से, किसी पैसा में खाना इंक्लूड नहीं है, समझे? तो वेज थाली खाइएगा तो 80 रुपया देना पड़ेगा, अंडा थाली खाइएगा तो 90 रुपया, और चिकन थाली आपको पड़ेगा 130 रुपया। अभी आपसे बात कर रहा है, बात करते करते देखिए ये छोटा जो है ना, हमको बहुत देर से घूर रहा है, बहुत घूर रहा है ये, आ गया। अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी जस्ट आई है फरक्का एक्सप्रेस। ऐसे इस ट्रेन में अंडा थाली बेचा जा रहा है 140 का, ठीक है? तो ये आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे 90 वाली अंडा थाली चाहिए, तब जाकर आपको मिलेगा। अगर आप नहीं बोलिएगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। वैसे राइस जो है ये बिल्कुल गर्मा गर्म है, और दाल जो है ना, लंच में जो हम लोगों ने दाल खाया था ना, उससे सही लग रहा है अभी रात वाला दाल, ये सही है। और ये अंडा है, अंडा का ग्रेवी देखते हैं, ग्रेवी भी ठीक है, मतलब खाने लायक है, सही है। सबसे बड़ी बात है कि गर्मा गर्म है, साथ में ये 2 पराठा दिया गया है और ये पिकल दिया गया है। और रही बात दही की, तो भैया बोले थे कि अभी दही लाना भूल गए, आप खाइए, हम लेके आते हैं, अगर नहीं ले पाए ला पाए तो अगले दिन जो है ना लंच में एक्स्ट्रा आपको दही देना होगा। चलिए ठीक है। एक वो पैसेंजर है, भैया है, उनका सीट ऊपर है। तो आपको 130 बताया था ना, 140 अंडा थाली, 140 बताया था। फिर भैया भी गए पेंट्री में, तो ये देखिए यही अंडा थाली 90 में मिला। तो यही अगर आपको नहीं मिलता है सही रेट पे ना, तो आप पेंट्री में जा सकते हैं। तो भाई देखिए, अभी कोच में जो है दूसरे पैसेंजर ने कंप्लेन किया है, तो अभी मैनेजर आया हूँ मैं, खाना को लेकर ही कंप्लेन हुआ है कि खाना जो है ना वो ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। तो दूसरे पैसेंजर भी कंप्लेन किए हैं, उसी का भीड़ लगा हुआ है। देखिए नहीं, देखिए जब ये ऑर्डर लेते हैं ऑर्डर के समय जैसे बता दीजिए कि ये भी थाली है, ये भी थाली है, दोनों चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा ना, सही हो जाएगा। तो भाई अभी क्या हुआ, अपने कोच में हो गया हंगामा। हंगामा इस चीज़ से हो गया, खाने को लेकर हो गया। अब क्या कि हम तो खाना खा रहे हैं, सही रेट बता रहे हैं, किस रेट पे खाना मिला, बगल वाले पैसेंजर भी उसी रेट पे खाना ले आए, लेकिन पीछे वाले ना, अब क्या कि लंबा जर्नी है, 51 घंटा का जर्नी है, कल से हमको हमें अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है ना। तो लोग कह रहे भाई उसे दही मिल रहा है, उसे सोन पापड़ी मिल रहा है, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा, उसे 90 में मिल रहा है, मुझे 140 में मिल रहा है। तो बाकी के जो लोग हैं ना वो कंप्लेन किए, इस वजह से अभी मैनेजर आए हुए थे। तो ये सीन है, आपको भी अगर सही रेट पे खाना नहीं मिलता है तो आप भी कंप्लेन कीजिए, रेट तो हम कई बार आपको बता ही चुके हैं। तो चंदन अभी स्वीट्स ट्राई करने वाला है, जो 90 की जो अंडा थाली मिली तो उसमें मिला है। देखो तो कैसा है, फ्रेश है, सही है ना, सही है, फ्रेश है ना। तो भाई जनता हो गई है जागरूक, ठीक है, अभी और जनते को जागरूक करना है। The next morning.
गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 2190 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 44वां हॉल्ट, खंडवा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KNW। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये आता है मध्य प्रदेश में। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है लगभग 1 घंटा 40 मिनट डिले। वैसे अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम था सुबह के 7:58 और यहाँ पे अपने एक फैमिली मेंबर मिलने के लिए आए हैं। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। तो ये है विशाखा, जो लगभग 1 साल से मुझे परेशान करी है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करी है मिलना है मिलना है मिलना है, फाइनली मुलाकात हो गया। चलो ठीक है। और इनके पापा मम्मी, चलिए ठीक है। सिर्फ 2 मिनट का दिक्कत ये है ना कि सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। तो ये बैग भी दे रहे हैं? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं सेल्फी। क्या वैसे ये बताओ, वीडियो कैसा लगता है? आपको ट्रेन में लगता है कम कहीं घूमने जा रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपके वीडियो में सब चीज की जानकारी मिल जाती है। ओहो हो, सही है। चलिए ठीक है ठीक है विशाखा, बाय बाय आंटी। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी आई है महानगरी एक्सप्रेस, जो कि बनारस के लिए चलती है मुंबई से। देर पहले अभी हम लोगों ने क्रॉस किया था खंडवा रेलवे स्टेशन और वहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर आए थे मिलने के लिए, तो वो ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं से वो लेकर आए थे, तो इसलिए ब्रेकफास्ट हमने ट्रेन से ऑर्डर नहीं किया। तीसरे दिन का, आज तीसरा दिन है हम लोग का। वैसे तीसरे दिन का लंच का ऑर्डर 10 बजे के लगभग इस ट्रेन में ले लिया जाता है, तो लंच का ऑर्डर हमने दे दिया है फिर से। लेकिन एक ब्रेकफास्ट इतना आ गया है कि मुझे नहीं लगता है कि हम लंच सही से खा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, और जो भी चीज़ दिया गया वो अपने फैमिली मेंबर ने दिया है। तो विशाखा इतना सारा लेके आ गए, पता नहीं हम किधर से स्टार्ट करें किधर से बोले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इधर से। तो ये है खांडवा का फेमस जलेबी, इसे दूध जलेबी कहते हैं। दूध ऊपर से डालना पड़ता है तो ये बन जाता है दूध जलेबी। तो ये देखिए, दूध हमने ऊपर से थोड़ा सा डाला है, इधर दूध अभी रखा हुआ है। और ये नॉर्मल जलेबी है, इधर होली के टाइम ये खाते हैं लोग। और ये हो गया सोन हलवा, ठीक है। और साथ ही ये खांडवा का फेमस समोसा गर्मा गर्म। और ये हो गया चाय के साथ ये खाते हैं रस्क है। इधर अंगूर रखा हुआ है, ये हो गया पोहा, इसे उठाओ तो भाई। और पोहा के नीचे ये है खाखरे, जो कि टोमेटो केचप के साथ खाया जाता है, इधर के लोग ये खाते हैं बहुत चाव से। और फ्रूट्स में इधर ऑरेंज हो गया, और ये हो गया मस्क मेलन, और दूध इधर भी रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, पूरा तो नहीं खा पाएंगे, मुझे लगता है कि आधा बच ही जाएगा, ले जाना पड़ेगा मुंबई। लेकिन साथ में चंदन ट्रैवल कर रहा है तो कोशिश करेंगे इसे ख़त्म करने का, नहीं हुआ ना तो कोच अटेंडेंट जो है उनको दे दिया जाएगा या OBHS स्टाफ को दे दिया जाएगा, मिल बांट के खाएंगे सब लोग। फिलहाल हम लोग ट्राई करने वाले हैं ये दूध जलेबी। तो जलेबी के ऊपर हमने दूध डाल दिया है। और मैं ट्रस्ट बात करूँ भाई साहब, एक नंबर, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच विशाखा इस चीज़ के लिए, मतलब खांडवा का फेमस दूध जलेबी खिलाने के लिए। अब ट्राई करते हैं हम लोग खांडवा का फेमस समोसा। समोसा भी एक नंबर है, मज़ा आ गया खा के, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर जो मसाला वगैरह डाला गया है ना वो भी सही है, और गर्म है सबसे बड़ी बात ये। और ये जो रस्क है ये तो चाय के साथ खाने वाला है, तो अभी चाय तो पियेंगे नहीं, हो सकता है इसे ले जाना ही पड़ेगा। समोसा का ऐसा लग रहा है, समोसा बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो भाई ये पूरे चीज में ना सबसे बेस्ट मुझे ये लगा दूध जलेबी, मजा आ गया भाई। तो भाई देखिए विशाखा इतना दे दी थी हम लोगों की, खा नहीं पाए, तो जलेबी अंगूर पोहा समोसा वगैरह इधर दे दिए अपने OBHS स्टाफ को, वो अपना बैठ के खाएंगे अंदर।
लगभग 2570 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 48वां हॉल्ट नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NK। और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था दोपहर के 1:40, और अब जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँची है लगभग 3 घंटा डिले। वैसे नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और यहाँ पे ग्रेप्स का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होता है, ओनियन का ही प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। इवन ये है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओनियन मार्केट नासिक में ही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये पार्लर दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीजन पार्लर। यहाँ पे आपको प्लांट्स वगैरह मिल जाएगा, तरह तरह के प्लांट्स हैं। ये है ऑक्सीजन पार्लर और चंदन अंदर घूम रहा है। ये सब पौधा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे पहले भी एक बार आके दिखा चुके हैं आपको, ये देखिए ये सब मिल जाएगा आपको। सारा प्राइस इस पे लिखा हुआ है 750। ये प्लांट के साथ मिलेगा, ये 1150 का है, 750 का है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो जब भी आप आते हैं नासिक रोड तो आप ये परचेज कर सकते हैं। नीचे भी आप देखिए सारा प्लांट्स है, ये देखिए कितना मतलब खूबसूरत खूबसूरत पोट वगैरह इसमें है। ये देखिए ये प्लांट देखिए बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको काला अंगूर वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रेप्स का, ओनियन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होता है। तो भाई नासिक रोड के बाद आपको इस तरह का अमरूद देखने को मिल जाएगा ट्रेन में, आप खा सकते हैं। 100 का 3 मिलेगा, तो अभी फिलहाल हम लोग ले रहे हैं 30 का 1। साइज देख रहे हैं, ये देखिए साइज, मीठा होगा ना भैया? मीठा है, खट्टा नहीं है। मैं पूछ रहे हैं, नमक डाल के दिए। ये एक ऊपर का छिलटा है, खराब नहीं। अच्छा अच्छा, ये देख लो, आपको ऐसा लग रहा है खराब है। कैसा लग रहा है चंदन? मीठा है, सही लग रहा है ना? चलो बढ़िया। कितना में लिया? 20 में लिया ना, काला अंगूर। अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है। और अगर आप इगतपुरी रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ का फेमस ये वड़ा पाव आप खा सकते हैं। समोसा है, वड़ा पाव है, ये देखिए ये वड़ा पाव हो गया, उधर हो गया समोसा हो गया। लेकिन हम लोग लिए हैं ये स्ट्रॉबेरी, ये देखिए इसको धो दिए हैं बढ़िया से, अब इसको ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे लगा स्ट्रॉबेरी मीठा नहीं होगा, लेकिन सब मीठा है भाई। चंदन कैसा लग रहा है? एक नंबर है ना, मुझे भी लगा था मीठा शायद नहीं होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सही चीज मिल जाता है।
कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं LTT रेलवे स्टेशन, मतलब मुंबई पहुंचने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस का वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ, वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ विष्णु स्टाइल वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते ही सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा, ऊपर लाइट है, बेसिन की साफ सफाई एवरेज कह सकते हैं। पानी की समस्या है इस ट्रेन में, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो पानी की समस्या, कभी पानी आ रहा है कभी पानी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि मेरी कोच की बात है, B3 की बात है, सभी कोच का यही कंडीशन है, पानी की समस्या बनी हुई है, पानी कभी आ रहा है नहीं आ रहा है। मैक्सिमम टाइम तो पानी वॉशरूम में था ही नहीं, बाहर वाला बेसिन में भी पानी नहीं था, पता नहीं क्या रीजन है। वैसे लिक्विड सोप पूरी जर्नी में था, जब अपनी ट्रेन निकली थी ना गुवाहाटी से तब टॉयलेट पेपर भी हर वॉशरूम में था, लेकिन आधी जर्नी के बाद टॉयलेट पेपर खत्म हो गया, उसके बाद फिर दोबारा टॉयलेट पेपर वगैरह नहीं डाला गया। कोच की कंडीशन वो भी कह सकते हैं, पूरी जर्नी के दौरान सिर्फ एक बार साफ सफाई किया गया, वो भी कहने पर तो वैसे नहीं किया गया। तो भाई ये रहा इस ट्रेन का खाने का बिल 3 दिन का, ये देखिए हमने यहाँ से लिया था स्टैंडर्ड वेज मील 1, 4 अंडा थाली, 3 चिकन थाली, तो टोटल मिला के 830 का बिल बना, वेज थाली 80 के हिसाब से, अंडा थाली 90 के हिसाब से और चिकन थाली 130 के हिसाब से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं LTT रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचा, ये लगभग 3 घंटा डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि गुवाहाटी LTT एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। भाई साहब 3 घंटा डिले है, मालूम है बहुत सारे पैसेंजर का ट्रेन छूट गया, यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन था, किसी को जाना था गोवा, किसी का बस था, तो भाई अगर इतनी लेट रहेगी ट्रेन तो भाई कैसे काम चलेगा अभी बताइए। और ऐसा नहीं कि पहला दिन है, मैक्सिमम जो है ना ये ट्रेन लेट ही रहती है, तो जब भी आप इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके आइएगा अगर आपकी कनेक्टिंग ट्रेन हो तो, क्योंकि इस ट्रेन का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो पेंट्री का खाना इस ट्रेन का बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट जो भी चीज़ खाइएगा ना आप, वो आपको बढ़िया ही मिलेगा। हाँ प्राइस का थोड़ा इशू है, प्राइस ही थोड़ा अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आपको सही रेट आपको खुद बताना होगा। वेज थाली का जो रेट है एक्चुअल 80 था, 80 वो बोलना आपको खुद बोलना होगा, भैया हमको 80 वाली चाहिए, 90 वाली चाहिए, 130 वाली चाहिए, आप बोलिएगा तब जाकर आपको सही रेट पे खाना मिलेगा, अगर नहीं बोलिएगा तो फिर उनके रेट पे खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये सीन है, अगर नहीं मिलता फिर भी सही रेट पे खाना तो मैनेजर से जाइए, पेंट्री में बोलिए मुझे 80 वाली थाली चाहिए, 90 वाली अंडा थाली चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। और वहां से भी नहीं मिलता सिंपल 1139 पे कॉल कीजिए। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो भाई वॉशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का अच्छा नहीं कहा जा सकता है, पानी की समस्या इस ट्रेन में बनी ही रही है, मतलब जब से ट्रेन निकली तब से लेकर अभी तक लगातार पानी की समस्या बनी हुई थी। और कोच की साफ सफाई पूरी जर्नी के दौरान सिर्फ एक बार कोच की साफ सफाई किया गया, जबकि 24 घंटा में नियम है कि 2 बार साफ सफाई करना है, तो भाई ये तो मतलब क्या ही बताया, वो कम से कम 4 बार साफ सफाई होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक ही बार हुआ, वो भी कंप्लेन करने के बाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है मालूम इस ट्रेन के साथ, जब से ये ट्रेन निकलती है ना, मतलब गुवाहाटी से तब से लेकर मुंबई तक लोकल वेंडर इसमें खाना वगैरह भी बेचते हैं, और जो भी है बाहर के वेंडर है ना, वो मतलब 10 बजे रात तक आपको चना हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, ये सब भी बेचते हुए, गुटखा वगैरह बेचते हुए भी आपको इस ट्रेन में दिख जाएंगे 10 बजे रात तक, कोई बोलने वाला नहीं इसमें, ठीक है। और साथ ही किन्नर के द्वारा इस ट्रेन में परेशान भी किया जाता है, चाहे आप 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप 2nd AC में ट्रैवल कर रहे हो, या स्लीपर का तो बात ही छोड़ दीजिए, स्लीपर जनरल में तो किन्नर का तो भाई तबाह ही रहता ही है, तो किन्नर भी पूरी जर्नी के दौरान आपको तबाह कर देंगे, अगर इस ट्रेन में आप जाइएगा तो आपको तबाह नहीं मतलब परेशान करेंगे। तो ये थी इस ट्रेन की पूरी जानकारी, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। वैसे फील बहुत लंबी जर्नी इसलिए हमने 2 पार्ट में बनाया, तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में, तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ हमने जो इस ट्रेन के बारे में आपको जो भी जानकारी दी वो कितना सच था कितना गलत था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगर आपने जर्नी किया होगा तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमने जो आपके साथ शेयर किया। अगर नहीं किया इन फ्यूचर अगर ट्रैवल कीजिएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने आपको कितना सही बताया। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगातार इसी तरह के साथ जर्नी करते रहिए। सी यू सून, चंदन पीस, बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। 2 दिन से नहाए नहीं है, जाएंगे सबसे पहले नहाएंगे। नमक बढ़िया से डाल देना, बढ़िया से।